देखिए, हॉली लॉज ने हमेशा लोगों को दिया ही है, कभी लेने का काम नहीं किया है, मांगने का काम नहीं किया है। डीएनए में हमारे मांगना नहीं है, हम अपना हाथ किसी के आगे नहीं लगाते हैं। देने का काम इस घर ने बहुत किया है। तो जो भी निर्णय, जैसा मैंने कहा, जो निर्णय विधायक दल का होगा, जो निर्णय हाईकमांड का होगा, वो हमारे लिए मान्य है, सम्मान्य है। जहाँ तक हॉली लॉज के अस्तित्व की बात है, दशकों से ये घर हिमाचल प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है और आने वाले समय में भी इस घर के दरवाजे प्रदेश की आम जन के लिए खुले हैं। हम लगातार प्रदेश के लोगों की आवाज़ को उठाते रहेंगे, अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को उठाते रहेंगे और मजबूती के साथ हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य करते रहेंगे। कल हम पूरी तरीके से आश्वस्त है, दिल्ली की मीडिया और उनके एग्जिट पोल कुछ भी कहे, हालांकि कुछ हमारे पक्ष में भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जो हिमाचल की मीडिया है, हिमाचल के लोग हैं और हिमाचल की जनता है, वो धरातल की परिस्थितियों से पूरे तरीके से वाकिफ है। तो मैं कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि कल इस समय तक सारी पिक्चर जो है वो प्रदेश की जनता के सामने और देश की जनता के सामने साफ़ हो जाएगी। इसलिए मैं यही कह सकता हूं कि हम पूरे तरीके से आश्वस्त हैं, क्योंकि हम जानते हैं पिछले 5 साल हमने लगातार प्रदेश के लोगों की आवाज़ को विधानसभा के अंदर उठाया है, लोगों के बीच में पिछले 5 साल लगातार रहे हैं। क्या कमियां थी, क्या सरकार से महत्वाकांक्षाएँ थी, क्या अभिलाषाएँ थी और कैसे उनको हर मुकाम पर निराशा हाथ देखने को मिली है, वो चीज़ें हमने भी देखी हैं और प्रदेश के अलग अलग वर्गों, चाहे हमारे कर्मचारी है, बागवान है, किसान है, सब लोगों ने देखी है। इसलिए हम पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि कल केवल कांग्रेस पार्टी की ही जीत नहीं होगी, कल हिमाचल प्रदेश के बागवानों की, किसानों की, कर्मचारियों की, बेरोजगार युवाओं की जीत होगी। और जिस तरीके से वीरभद्र सिंह विकास मॉडल और वीरभद्र सिंह जी की सरकार पूर्व में कार्य करती आई थी, हम कल फिर से एक नए सूर्य के उदय के साथ एक नई शपथ लेंगे कि हिमाचल प्रदेश को हमने देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है और जो हमने चुनावी वादे भी किए हैं, जो बातें लोगों के बीच में रखी हैं, उनको चरणबद्ध तरीके से कैबिनेट के द्वारा, बजट के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से उसे पूरा करने का भी, पूरा प्रयास ही नहीं किया जाएगा, उनको पूरा भी किया जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। तो सभी प्रदेशवासियों को एक बारी मैं फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक लोकतंत्र के पर्व में अपना हिस्सेदारी सुनिश्चित करी और उसका फल कल प्रदेश के सभी लोगों को जो है वो मिलेगा। खबर है, बड़े वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, 2 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और हमारे जो इंचार्ज है राजीव शुक्ला जी, वो भी हिमाचल आ रहे हैं कल, तो निश्चित तौर से वो सब चीज़ों के ऊपर अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। हमारी प्रदेश अध्यक्ष है, सीएलपी नेता हैं, सब मिलकर इस पे इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जिस तरीके से और प्रदेशों में हॉर्स ट्रेडिंग का चीज़ें हमको देखने को मिली थी, वो हिमाचल के अंदर ना हो। और हिमाचल देवभूमि है, हिमाचल में इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए हम पूरे तरीके से प्रयास करेंगे, क्योंकि जो जनादेश प्रदेश के लोगों ने दिया है उसको, उसका मान सम्मान रखना विधायकों का भी दायित्व बनता है, तो उस चीज़ का विधायक भी ध्यान रखेंगे, अपनी आत्मचिंतन करते हुए उस चीज़ को, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मैंडेट के साथ लोगों ने उनको जिताकर भेजा है उसका वो सम्मान करेंगे और कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ चलाएंगे। और हर चीज़ समय से पहले किसी भी चीज़ के ऊपर टिका टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। पहले सरकार बन जाए, कल सरकार बन जाएगी, कल विधायक हमारे जीत कर आएंगे अधिकतर, और उसके बाद मीटिंग होगी सीएलपी की, जो हमारे ऑब्जर्वर बनाए गए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो एक वरिष्ठ मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनको ऑब्जर्वर लगाया गया है, तो वो यहाँ पे आएंगे, मीटिंग करेंगे, सभी विधायकों के साथ चर्चा होगी और विधायक स्वतंत्र है कि वो किसको अपना नेता चुनना चाहते हैं, जिसके साथ बहुमत होगा और जिसको हाईकमांड का आशीर्वाद होगा वो प्रदेश का नेतृत्व करेगा, ये बिल्कुल साफ है। और जो भी निर्णय पार्टी हाईकमांड का होगा, विधायक दल का होगा, वो हम सबको
मान्य होगा और हम मिलकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को चलाएंगे। मेन फाइट जो थी वो आप मैं और भाजपा में थी, और कहीं ना कहीं वो जो है एक टैक्टिकल सपोर्ट मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की भाजपा को रही, आम आदमी पार्टी को रही, ताकि भाजपा को जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया जा सके, क्योंकि हमारा लार्जर इंटरेस्ट जो है वो भाजपा को हराना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कल यहाँ पे कांग्रेस पार्टी पूरी अच्छी तरीके से अपना प्रदर्शन करेगी, मिलकर हम आगे चलेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार कम से कम 40 विधायकों के साथ हम बनकर जो है वो कांग्रेस पार्टी अपना दावा सरकार बनाने के लिए राज्यपाल जी को पेश करेगी।